अच्छा बाबर, बहुत ज्यादा बात हो रही है जिस तरीके से इंग्लैंड खेल रहा है कि T20 स्टाइल की क्रिकेट खेल रहे हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने भी आपसे बात की है कि T20 प्लेयर्स को खिलाया जाए, तो आपका माइंडसेट क्या कहता है कि वाकई अब T20 प्लेयर्स की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट में, और अगर है तो इस हवाले से हम फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई चेंजेस देखेंगे इस साइड? देखें, आप टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेलते हैं, आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, आप उस माइंडसेट से नहीं जा सकते, आप सेशन बाय सेशन चलते हैं और कभी आपको अटैक करना पड़ता है, कभी आपको डिफेंसिव होना पड़ता है, तो ये सारी एक प्लानिंग होती है और एक खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की। आप हर टाइम ऑन द टॉस नहीं रह सकते कि हम 7 या 8 ओवर के रन रेट से खेलें, हर एक टीम का डिफरेंट प्लान होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है। बिल्कुल कोशिश ये है कि हम उस चीज़ को फिलअप करें कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स जो हैं उसको फिल अप करें। जी कुलसुम, जहाँ रोजनामा जंग लंदन से बात कर रही हूँ, अच्छा ये बताइएगा कि आप ऑलरेडी T20 वनडे और टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं, तो इन तमाम फॉर्मेट की कप्तानी करने के हवाले से ये होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासर हो रही है, और समटाइम्स ये होता है कि टीम की कप्तानी भी जो आप टेस्ट की कर रहे हैं वो भी मुतासर हो रही है, तो क्या कहेंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा है? आपको लगता है मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है? नहीं, आपकी ना टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ टेस्ट के हवाले से। नहीं देखें, पिछले हम जितने भी टेस्ट मैच खेले हमने डोमिनेट किया, हाँ बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इंजरीज काफ़ी हो गई हैं जिसकी वजह से हमारा जो कम्बिनेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों मैच हमारे हाथ में थे, हम फिनिश नहीं कर पाए। ये एज अ टीम हमें इस चीज़ पे काम करना है कि सिचुएशन में और प्रेशर टाइम पे हमने चीज़ों को कैसे अपनी तरफ लाना है। ऐसे नहीं है कि किसी एक बंदे की वजह से टीम सारी हार रही है, मेरी वजह से ये कुछ ऐसा हो रहा है, कोशिश यही होती है कि बेस्ट 11 खिलाई जाए और उनसे काम लिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स सपोर्ट कर रहे हैं।